नहीं भैया, मैं मोम डैड की इस डिसीजन को बिल्कुल नहीं मानूंगा। किससे शादी करनी है, कब करनी है, जो हम डिसाइड करेंगे। हमारी लाइफ के पर्सनल रीजन हमारे हैं, उनसे बड़े इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। अरे एटलीस्ट उनसे एक बार तो पूछ लेते कि मैं क्या चाहता हूं। पर नहीं, उन्हें तो मेरे कोई सपने दिखते नहीं है। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जो बड़ों ने बोल दिया उसने अपना फर्ज बनाकर चल दिए। मैं अपनी पूरी लाइफ उनकी इस डिसीजन की भट्टी में नहीं झोंक सकता। और वो क्या बड़े पापा ने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? बस ऐलान कर दिया कि कार्तिक की शादी माया से होगी। कमाल है, उनकी मैं कोई जगह हूं कि जिसके चाहो उसके नाम कर। उन्हें भी तो मेरी कुछ ख्वाहिशें दिखनी चाहिए थी ना। वो तो अपनी एक मैं पर अड़े हुए हैं। और अगर उन्होंने अपना डिसीजन नहीं चेंज किया ना, तो ऐसे मैं जी घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा।